Hello class 11 students, today we will discuss about the first poem of your literature portion and Hornbill book. So first poem is A Photograph, composed by Shirley Tolson. Students, Shirley Tolson is a poetess. Before discussing about the poem, we will go through a short intro of this poem. सो स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि ये पोएम एक ट्रिब्यूट है फॉर हर मदर, मीन्स पोइटर्स जो हैं उनकी माँ के लिए उनका एक ट्रिब्यूट है, मीन्स श्रद्धांजलि है. और वो इस पोएम के थ्रू हमें बताना चाहती हैं कि किस तरह से उनकी माँ उनकी पुरानी फ़ोटोज़ को देखकर अपनी मेमोरीज़ को ताज़ा करती थी. एंड नाउ नो मोर हर मदर इज़ विद हर, मीन्स उनकी माँ की मृत्यु हो चुकी है, अब वो उनके साथ नहीं है. सो पोएटर्स भी अपनी माँ की पुरानी फ़ोटोज़ को देखकर मेमोरीज़ को ताज़ा करने की कोशिश करती हैं. सो जैसा कि इस पोएम का टाइटल सजेस्ट करता है कि एक फ़ोटोग्राफ, मींस एक फ़ोटोग्राफ का मींस क्या होता है, कोई एक ऐसी चीज़ जो मेमोरीज़ को कैप्चर करती हैं. और फोटोग्राफ्स का काम क्या होता है स्टूडेंट्स, मेमोरीज़ को कैप्चर करना. एंड दे स्टे फॉर एवर, मीन्स पोएटर्स कहती हैं कि जो फ़ोटोग्राफ्स होती हैं वो पुरानी मेमोरीज़ को कैप्चर करती हैं, और वो जो कैप्चर कर लेती हैं जिन यादों को, वो हमेशा हमारे साथ रहती हैं. सो स्टूडेंट्स, लेट्स बिगिन द पोएम. इस पोएम में फर्स्ट स्टैंजा जो दिया हुआ है वो क्या है, द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज. तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पर जो कार्डबोर्ड है वो सिग्निफाई करता है फोटोग्राफ को, ठीक है. कार्डबोर्ड जो है वो फोटोग्राफ को सिग्निफाई करता है. द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज, पोइटेस कहती है यहाँ पे कि ये जो फोटोग्राफ है, मीन्स वो एक रूम में बैठी हुई हैं और वहाँ पे सामने वॉल पे उनकी एक फ़ोटोग्राफ लगी हुई है, एक पिक्चर लगी हुई है जिसको वो देख रही हैं. और वो कहती हैं कि शोज़ मी हाउ इट वॉज, ये कार्डबोर्ड जो है, ये जो फ़ोटोग्राफ है, ये मुझे दिखाती है, दर्शाती है कि हाउ इट वॉज, कि ये कैसी थी, मीन्स जिस वक्त ये ली गई थी उस वक्त ये किस सिचुएशन में ली गई थी और क्या था उस वक्त का सीन, ये सब कुछ मुझे इस फोटोग्राफ को देखकर पता चल रहा है. When the two girls went paddling, each one holding one of my mother's hand. अब पोइटेस कहती हैं कि उस पिक्चर में व्हेन द टू गर्ल कज़न वेंट पैडलिंग, पैडलिंग क्या होता है स्टूडेंट, जब हम पैडलिंग, जैसे आप साइकिल में भी पैडलिंग करते हो या फिर किसी सी बीच पर या कहीं पे भी जाते हो तो राफ्टर्स वगैरह को पैडलिंग करते हो, तो वही यहाँ पे दिया गया है कि फ़ोटोग्राफ में. देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक चीज़ और है कि शर्ली टोल्सन ने जो हमें पिक्चर, जो उन्होंने व्यूज़ दिए हैं उनके थ्रू हमारे भी माइंड में एक पिक्चर क्रिएट हो जाता है. आप पढ़ेंगे, आपके भी माइंड में एक पिक्चर क्रिएट हो जाएगा कि किस तरह से वो फोटो रही होगी, उसमें क्या रहा होगा. नाउ अब हम देखते हैं कि द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज, पोइटेस कहती हैं कि इस फोटो को देखकर मुझे या अंदाज़ा हो रहा है कि किस वक्त ये ली गई थी और क्या था उस वक्त का सीन. व्हेन द टू गर्ल कजिन्स व्हेन पैडलिंग, जब टू गर्ल्स कजिन, मिस दो चचेरी बहनें, मिस पोइटेस कहती हैं कि उस पिक्चर में मेरी माँ के अलावा उनकी टू कजिन्स भी हैं उसमें, व्हेन पैडलिंग, और वो लोग किस उद्देश्य से गई हैं, पैडलिंग मीन्स कहाँ पे गई हैं, ये अभी आप आगे लाइंस में क्लियर हो जाएगा आपको. ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड, अब यहाँ पे देखिए पोइटेस कहती हैं कि इस फोटो में देखकर ऐसा लग रहा है कि जो मेरी माँ हैं उनकी जो टू कजन्स हैं उन्होंने मेरी माँ का हाथ होल्ड किया हुआ, मीन्स पकड़ा हुआ है. एंड शी द बिग गर्ल सम 12 ईयर्स और सो, अब पोइटेस कहती है यहाँ पर कि मेरी माँ कि जो कज़न सिस्टर हैं उन्होंने उनका हाथ पकड़ा हुआ है, और उस पिक्चर में मेरी माँ जो है शी द बिग गर्ल, वो बड़ी लड़की है. मीन्स कहने का मतलब क्या हुआ, सम 12 ईयर्स और सो, मीन्स लगभग उनकी उम्र 12 साल की थी और वो तीनों में से सबसे बड़ी थी. ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर एट द अंकल विद द कैमरा, अब यहाँ पे पोइटेस कहती हैं ऑल थ्री स्टूड, कौन है, मेरी माँ और उनकी टू कजिन्स, वो तीनों खड़ी हुई हैं स्माइल देते हुए, थ्रू देयर हेयर, मीन्स अपने बालों के थ्रू, वो उनके जो बाल हैं, इससे देखिए एक चीज़ और यहाँ पे क्लियर होती है कि जहाँ पे भी वो हैं वो आपको आगे क्लियर हो जाएगा, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा सी हवा चल रही है और उनके बाल उड़ के उनके फेस पर आ रहे हैं, और वहीं उसी के थ्रू उनकी स्माइल जो है वो दिखाई दे रही है, मीन्स बालों से उनका चेहरा ढका हुआ है और उनकी स्माइल भी दिख रही है. और वो स्माइल क्यों दे रही हैं, एट द अंकल विद द कैमरा, क्योंकि एक अंकल वहाँ पे हैं, वो उन तीनों की पिक्चर क्लिक कर रहे हैं. आप लोगों के साथ भी नॉर्मली होता है, जब कोई पिक्चर क्लिक करता है तो वो स्माइल देते हैं, वैसा ही. अ स्वीट फेस माई मदर्स दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न, पोइटेस कहती हैं एक सुंदर सा चेहरा माई मदर, मेरी माँ का, दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न, पोइटेस कहती हैं मेरी माँ का सुंदर चेहरा, और वो कब का है, जब मेरा जन्म होने से पहले, मीन्स मेरा जन्म नहीं हुआ था उसके पहले का वो चेहरा, इट मीन्स पोइटेस कहती हैं कि वो जो पिक्चर थी वो मेरे जन्म से पहले की ली गई थी है.
नाउ एंड द सी, अब देखिए यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा, एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंज्ड लेस. सी, सी का मतलब क्या हुआ कि इट मीन्स कि वो जो फोटोग्राफ ली गई है वो कहाँ पे ली गई है, एक सी बीच पे ली गई है, समुद्र का किनारा है वहाँ पे ली गई है. और पिक्चर आपके माइंड में क्लियर हो रही होगी कि माँ है उनकी पोएटिस की और उनके साथ में टू कज़िन सिस्टर है उनकी, तीनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ है और उनकी माँ उन तीनों में से सबसे बड़ी है. सी बीच के किनारे हैं वो लोग और हवा इतनी ज़्यादा चल रही है कि उनके चेहरे पर उनके बाल आ रहे हैं जिससे उनकी स्माइल दिख रही है और एक अंकल उनका पिक्चर क्लिक कर रहे हैं. एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंज्ड लेस. यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, आपको थोड़ा सा समझने की बात है, ये लाइन्स थोड़ी सी इंपॉर्टेंट सी लग रही हैं. तो इन टू लाइन्स में वॉज देयर टेरेबली ट्रांजेंट फील. तो इन टू लाइन्स में पोएट्स जो हैं वो दो चीज़ों को यहाँ पे बताना चाहती हैं, एक चीज़ ऐसी जो हमेशा परमानेंट रहती है और दूसरी चीज़ क्या जो परमानेंट नहीं रहती है, वो क्या है. एंड द सी, सी जो समुद्र है वो कहती है कि जो सी उस वक्त जो वो नदी का किनारा, वो समुद्र का किनारा था, नदी का किनारा था, विच अपीयर्स टू हैव चेंज्ड लेस, वो अभी भी प्रतीत होता है कि वो अभी भी चेंज नहीं हुआ है. इट मीन्स क्या है कि वो ये शो करना चाहती हैं कि जो कुछ चीज़ें हमारी लाइफ में होती हैं जो परमानेंट होती हैं और कुछ चीज़ें परमानेंट नहीं होती हैं. फर्स्ट लाइन में जैसे वो कह रही हैं जो सी है वो उस वक्त भी वही थी और आज भी वही है, क्योंकि समुद्र वगैरह ना जाने कब से होते हैं और ना जाने कब तक रहते हैं. इसलिए पोएटिस कहती हैं कि वो सी जहाँ पे मेरी माँ का वो पिक्चर क्लिक किया गया था वो उस वक्त भी वैसा ही था और आज भी वैसा ही है. इट मीन्स कि वो परमानेंट है. नेक्स्ट लाइन में वॉस्ट दियर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट. अब यहाँ पे देखिए ट्रांजिएंट फीट, टेरिबली ट्रांजिएंट फीट, टेरिबली ट्रांजिएंट फीट का मतलब क्या हुआ, जैसे नदी के किनारे बालू रेत वगैरह होती है तो हम लोग जब उस पर चलते हैं तो उसमें पैरों के निशान बन जाते हैं, लेकिन क्या वो पैरों के निशान परमानेंट होते हैं, वो नहीं होते. नदी की धारा आती है और उसको बहा के ले जाती है, पैर के निशान साफ हो जाते हैं. तो पोएटिस यहाँ पे कहती हैं सी जो उस वक्त भी वही थी आज भी वो वही है, उसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ है. और उस फोटो को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे वॉस्ट देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट, वो पैरों के निशान जो परमानेंट नहीं होते हैं, उनके पैरों के निशान की मीन्स मेरी माँ और उनकी दोनों कज़िन के पैरों के निशान को लहरें आ रही हैं और धुल के जा रही हैं. यहाँ पे उसने दो तरह, पोएटिस ने दो तरह के सेंसेस दिए हमें कि कुछ चीज़ें परमानेंट होती हैं और कुछ चीज़ें परमानेंट नहीं होती हैं. और यहाँ पे जो मीनिंग आ रहा है वो क्या है कि फ़ोटो को देखकर पोएटिस ये देख रही हैं कि वो समुद्र की धाराएं जो हैं ऐसा लगता है कि हमारी माँ, मेरी माँ का और उनकी कज़न्स का जो भी पैरों के निशान बन रहे थे उनको वो धुल रही हैं और जो कि परमानेंट नहीं है. नाउ नेक्स्ट लाइन्स हम देखते हैं. सम 20-30 ईयर्स लेटर शी हैड लव्ड एट द स्नैपशॉट. उसके बाद वो कहती हैं कि कुछ 20-30 ईयर्स में 20 या 30 साल बाद शी हैड लव्ड एट द स्नैपशॉट. जब वो उस फोटो को देखती थी तो वो क्या करती थी, मुस्कुरा देती थी. सी बेटी एंड डॉली शी हैड से. अब वो अपनी कजिन्स के नाम बताती थी, क्या नाम थे उनकी कजिन्स के, बेटी एंड डॉली. एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच. यहाँ पे एक चीज़ और आपको क्लियर होती है, सी आपको ऊपर क्लियर हो गया और यहाँ पे आपको बीच क्लियर हो गया. इट मीन्स आपका व्यू बिल्कुल क्लियर है कि ये जो पिक्चर ली गई थी वो कहाँ की है, सी बीच की है, ठीक, समुद्र के किनारे की है. तो पोएटिस कहती हैं कि कुछ 20 से 30 साल बाद जब मेरी माँ उस फोटो को देखती थी तो वो मुस्कुरा देती थी और कहती थी देखो बेटी और डॉली ने किस तरह से लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, हमें बीच पर जाने के लिए किस तरह से हम लोगों ने अपने आप को तैयार किया था. इट मीन्स क्या है कि हम भी जब पुरानी फोटोज़ को देखते हैं तो मुस्कुरा देते हैं, हंस देते हैं, क्योंकि तब से अब में हमारा जो ड्रेसिंग सेंस होता है वो चेंज हो जाता है. नाउ द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट. अब यहाँ पे पोएटिस थोड़ा सा दुखी हो जाती हैं, वो कहती हैं द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट. जो वो सी हॉलीडे था, मैं सी बीच पे जो मेरी माँ घूमने गई थी वो जो उनके हॉलीडे था, वॉज हर पास्ट, वो उनका गुजरा हुआ कल बन चुका था. माइन इज़ हर लॉफ्टर. और माइन मीन्स मेरे लिए, और मेरे लिए मेरी माँ की हंसी. बोथ राय विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस. बोथ राय, राय मीन्स क्या होता है, डिसअपॉइंटमेंट. तो पोएटिस कहती हैं कि मेरी माँ का वो पास्ट था जो उन्होंने सी हॉलीडे बिताया था, और मेरे लिए मेरा पास्ट क्या है, मेरी माँ का, मेरी माँ की हंसी. इट मीन्स क्या है कि उनका भी एक नुकसान हुआ, बस मेरी माँ का भी एक नुकसान हुआ और मेरा भी एक नुकसान यहाँ पे हुआ.
वही यहाँ पे पोएट्रेस कहती है कि बोथ राय, दोनों मीन्स मेरी माँ और मैं दोनों डिसअपॉइंट हैं विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, मीन समय के साथ जो हमारा नुकसान हुआ है उससे हम दोनों ही क्या हैं, बहुत ही डिसअपॉइंट है। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, इसमें पर्सोनिफिक सॉरी ऑक्सीमोरॉन दिया हुआ है। ऑक्सीमोरॉन क्यों दिया हुआ है, विरोधाभास जिसको हम बोलते हैं। तो क्योंकि लेबर्ड ईज, लेबर्ड मीन्स क्या होता है मेहनत से, और ईज मीन्स क्या होता है आसानी के साथ में, तो दोनों अपोजिट वर्ड है, इट मीन्स यहाँ पे क्या है ऑक्सीमोरॉन फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है। नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट लाइन्स हम देखते हैं। नाउ शी हैज़ बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है आपको। पोएट्रेस कहती है नाउ शी हैज़ बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स, अब मेरी माँ को मरे हुए मीन्स उनको गुजरे हुए इतना वक्त हो गया है एज दैट गर्ल लिव, जितना कि वो लड़की मीन्स अपनी माँ को ही कहती थी, कह रही हैं फोटो को देखकर, क्योंकि उस वक्त उनकी माँ 12 साल की थी, एक लड़की थी। तो पोएट्रेस कहती हैं कि इस फोटो को देखकर कह रही हैं कि ये लड़की जो है, जो उनकी माँ है, वो कह रही है कि इनको मरे हुए मीन्स इनको गुजरे हुए उतना वक्त हो गया जितना वक्त वो उनका जीवन था। इट मीन्स क्या हुआ कि मान लीजिए कि उनकी माँ की एज 40 ईयर्स रही होगी, मीन्स वो 40 ईयर्स तक जीवित रही होंगी, तो उनका मरने का भी जो समय हो चुका है वो भी 40 ईयर्स का भी हो चुका है। इट मीन्स यहाँ पे एक बात, एक पॉइंट क्लियर है कि पोएटिस जो है वो भी अब यहाँ पे जब वो उस फोटोग्राफ को देख रही हैं तो वो काफ़ी राइपेंड एज में आ चुकी हैं, इट मीन्स बहुत ही उम्र उनकी खुद की हो चुकी है, इसलिए वो यहाँ पे कह रही हैं कि काफ़ी सालों बाद वो उस फोटो को देख रही हैं, कह रही हैं कि जितना वक्त मेरी माँ जीवित रही हैं उतना ही वक्त उनको बीत गया है, उतना ही वक्त बीत गया है उनको मरे हुए, मीन्स 40 साल अगर वो जिंदा रही हैं तो 40 साल ही बीत चुका है उनको मरे हुए। नाउ देयर इज सॉरी एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंस, और इन सारी घटनाओं के साथ में देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, अब मेरे पास कहने को कुछ भी नहीं बचा है, इट्स साइलेंस साइलेंसेस, मीन्स अब इस फोटो को देखकर और क्योंकि मेरी माँ नहीं है तो अब इन घटनाओं के साथ मेरे पास कोई भी शब्द कहने को नहीं है, अब मेरे पास केवल शांति बची है, और ये जो मेरी लाइफ में मेरी माँ की एब्सेंस है, जो मेरी माँ के बिना जो मेरी लाइफ में साइलेंस है, उसमें भी एक बहुत बड़ी शांति है। इट मीन्स पोएट्रेस यहाँ पे बहुत ज़्यादा दुखी हैं और नॉस्टैल्जिक हो रही हैं, वो अपनी पुरानी अतीत की यादों को भी याद कर रही हैं, वो कह रही हैं कि माँ के बिना मेरा जीवन बिल्कुल शांतमय हो गया है, मीन्स बिल्कुल पूरी तरह से शांत हो गया है, ऐसा लगता है कि शांति में भी एक शांति है। तो स्टूडेंट्स ये आपकी फ़र्स्ट पोएम है, और फिर मैं आपको बता देती हूँ कि ये पोएम डील करती है नॉस्टैल्जिया को। तो स्टूडेंट्स ये आपका फर्स्ट चैप्टर है जिसमें स्टोरी एंड पोएम दोनों इन्वॉल्व हैं, तो सबसे पहले आपने ये पोएम पढ़ ली है, अभी आपको जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनको दोबारा से रिपीट कर लेना है, नोट भी कर लेना है, और पोएम को फिर से प्रॉपर वे में पढ़ लेना है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।